दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया का आखिर वो ऐसा कौन सा खास धर्म है और पवित्र धर्म है जिसमें सबसे ज्यादा देवी देवताएं मौजूद हैं? और आखिर पूरी दुनिया में कार का सबसे पहला एक्सीडेंट कब और आखिर कहां पर हुआ था? इन सभी खास और कमाल के सवालों का जवाब और ऐसे ही दोस्तों कई ढेर सारे फैक्ट्स का ब्लास्ट आज इस वीडियो में होने वाला है। तो आखिर तक यार वीडियो को जरूर देखना और पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक सब तैयार रखो। आज के दिन दोस्तों कार रखना तो सबके लिए एक शान की बात हो ही चुकी है और कार का एक्सीडेंट होना भी बहुत ज़्यादा खतरे की बात बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में आखिर वो कौन सा समय था, वो कौन सा साल था जब कार का एक्सीडेंट हुआ था, जब दो कारों की दोस्तों आपस में टक्कर हुई? हालांकि इस एक्सीडेंट में किसी की भी मौत नहीं हुई क्योंकि कारों की स्पीड सिर्फ 12 किलोमीटर के आसपास की थी। इंडिया में स्थित दोस्तों रघुनाथ टेम्पल पूरे इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की शान मानी जाती है। इस ऐतिहासिक मंदिर की शुरुआत दोस्तों महाराजा रणबीर सिंह और उनके फादर गुलाब सिंह ने 1857 में की थी। इस मंदिर की दोस्तों सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की शक्ति देखने को मिलेगी और सभी देवी देवताओं के दोस्तों आप दर्शन इस मंदिर में आकर ही कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन आप एक ही समय में कर सकते हो, है ना दोस्तों, ये बेहद ही बेस्ट बात। पूरी दुनिया में दोस्तों सिर्फ जिराफ ही एक ऐसा जानवर है जो अपनी जीभ से ही अपने नाक के साथ साथ अपने कानों को भी साफ कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जो इसकी जीभ होती है ना वो 56 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, जिसके चलते इसको उसके काफी फायदे भी मिलते हैं। दुनिया भर के दोस्तों लोग ही इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए बेहद ही अजीब और गरीब से काम करते हैं और इसके लिए तो दोस्तों वो किसी भी दीवानगी की हद को भी पार कर जाते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक में दोस्तों सबसे ज्यादा बार अपना नाम दर्ज करवाने की लिस्ट में हमारा भारत है पूरी दुनिया में नंबर 3 पर। ये फैक्ट दोस्तों आपको काफी ज्यादा हैरान कर सकता है क्योंकि आप तो जानते हैं इंडिया में अबॉर्शन करवाना पूरी तरह से बैन है, लेकिन अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स में दोस्तों ये काम बहुत ही धड़ल्ले से चलता है और वहाँ पर हर साल लगभग 12 लाख महिलाएं दोस्तों ये काम करती हैं, क्योंकि वहाँ दोस्तों हर लड़की अपनी वर्जिनिटी को लगभग 14 साल की उम्र में ही खो देती है। एक एवरेज एज है दोस्तों 14 साल। और एक आंकड़े के अनुसार 40% वुमेन तो ऐसी भी हैं जो बिना शादी किए ही बच्चे को जन्म भी देती हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर दोस्तों बच्चे को जन्म शादी के बाद ही देती हैं, जिसके चलते वो अबॉर्शन करवाना ही बिल्कुल ठीक समझती हैं। दोस्तों हम लोग अक्सर कई चीजों से डरते हैं, किसी को शिपकली से डर लगता है, किसी को ठंडे पानी से डर लगता है, तो वहीं किसी को ऊंचाई से देखने से डर लगता है। और जब ये डर दोस्तों बहुत ही ज्यादा हद पार कर देता है तब ये फोबिया का नाम लेता है। और आपको बता दूं अमेरिका में दोस्तों फोबिया को सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी माना जाता है। आज के दिन अमेरिका में दोस्तों लगभग 3% लोगों को ये भी फोबिया है कि जब भी वो बिस्तर में सोने लगते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा डर लगता है। और लगभग अमेरिका में मौजूद 90 लाख लोग तो दोस्तों इस बात को सोचकर ही बेहद खौफ खा जाते हैं कि अब उन्हें बिस्तर में जाना पड़ेगा। और इस डर को दोस्तों सोमनियाफोबिया के नाम से जाना जाता है, ये मेडिकल टर्म है। जंक फूड खाना दोस्तों आप सभी को बेहद ही पसंद होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका काफी ज्यादा नुकसान होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर? लेकिन रिसर्चर्स ने कहा है कि दो ऐसे जंक फूड है जिनका सबसे ज्यादा बैड असर पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। दोस्तों ये दो चीजें हैं, फ्राइड चिकन और फ्रेंच फ्राइज। वजन कम करना दोस्तों सभी चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ पुदीने की सुगंध से ही आपका वजन कम हो सकता है? ऐसा मेरा नहीं दोस्तों बल्कि स्कॉटलैंड के रिसर्चर्स का कहना है। रिसर्चर्स के अनुसार जब भी हम पुदीना की दोस्तों गंध लेते हैं तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रोसिट नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसके चलते हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता किसी ऐसी चीज को खाने को जिसमें बहुत ही ज्यादा फैट और जो खाना बहुत ही ज्यादा ऑयली हो, है ना दोस्तों कमाल। और इसके चलते दोस्तों हमारा कैलोरीज इनटेक काफी कम हो जाता है। और आपको तो पता है अगर कैलोरीज हम कम खाएंगे तो यार वजन तो कम रहेगा ही। हम सब दोस्तों अपने दोस्तों के बीच या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एवं अपनी फैमिली के साथ भी किसी बात को लेकर शर्त लगाते हैं, लेकिन 1980 के साल में लॉस वेगस की नर्सों ने एक बेहद ही अजीब सी शर्त लगाई। और वहां पर दोस्तों नर्सों ने ये शर्त लगाई थी कि आखिर कौन से रोगी की पहले मृत्यु होगी और कौन सा रोगी पहले मारा जाएगा और कौन सा बाद में। हालांकि जैसे ही दोस्तों मेडिकल अथॉरिटी को इसके बारे में खबर मिली तो उन्होंने उन सभी नर्सिस को पूरी तरह से बैन कर दिया और उनका लाइसेंस भी जो मेडिकल का था वो पूरी तरह से कैंसिल किया। मेगा स्टार बनने से पहले दोस्तों मैडोना डंकिन डोनट्स में काम करती थी, लेकिन एक ग्राहक के ऊपर मिस्टेक में जेली गिराने के चलते ही काम से हाथ धोना पड़ा। और उस समय भला किसने सोचा था कि ये लड़की इतनी बड़ी स्टार बनेगी। अफ्रीका के टोगो में दोस्तों एक बेहद अजीब सा लॉ लागू है, आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि अगर यहाँ पर कोई भी
पुरुष महिला को कॉम्प्लीमेंट देता है, उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, तो उसे बाद में उस महिला से शादी करनी पड़ती है। ये दोस्तों यहाँ का एक स्ट्रिक्ट लॉ है जो कल्चर के हिसाब से बना हुआ है। YouTube पर दोस्तों आज के दिन इतनी सारी वीडियोस अपलोड होती हैं कि सभी को हमारे लिए देख पाना लगभग इम्पॉसिबल सा काम है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये काम कर सकते हैं। बस आपको 1738 साल का समय लगेगा, लेकिन आप तो जानते हैं दोस्तों हर दिन इतनी वीडियो पड़ती हैं कि मेरे हिसाब से 20-25 हज़ार साल तो लग ही जाएंगे। 14 फरवरी को दोस्तों इस दिन लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं और अपना प्यार पूरी तरह से हासिल करते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस दिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जेल से भागने का वादा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा रियल लाइफ में हो चुका है। 2014 के साल में 14 फरवरी को एक कैदी ने सिर्फ अपने पार्टनर के साथ समय स्पेंड करने के लिए जेल से भागना ही ठीक समझा। कैफीन, जिसको कि दोस्तों कॉफी, टी और कई तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, और इसके बाद दोस्तों इन सभी चीजों का स्वाद बहुत ही हाई लेवल पर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैफीन को पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रग माना जाता है और इसे द वर्ल्ड ड्रग ऑफ चॉइस का खिताब भी मिल चुका है। डोमिनोज पिज्जा तो दोस्तों अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बेहद ही कमाल की कंपनी ने अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए सारी हदें ही पार कर दी, और इसने एक इस तरह की कमाल की डीवीडी बनाई जो बिल्कुल पिज्जा की शेप की थी और उसको इस तरह डिजाइन किया गया जैसे वो पिज्जा हो। हालांकि इसके अलावा भी सबसे ज्यादा यूनिक और कमाल की बात तो ये थी कि जब भी उस डिश को चलाया जाता था तो उसमें से दोस्तों पिज्जा की खुशबू आती थी, जिसके चलते लोगों का तुरंत दिल करता था पिज्जा खाने का और लोग उसी समय डोमिनोज को ऑर्डर करते थे। एक डाटा एनालिसिस के अनुसार दोस्तों डोमिनोज का तो ये भी कहना था कि इस एडवर्टीजमेंट के बाद, इस कमाल के आइडिया के बाद उनकी कमाई में लगभग 70% तक का मुनाफा आया। क्या आपको पता है कि दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसे कौन कौन से काम है जिसके चलते हमारी स्ट्रेस सबसे ज्यादा तेजी से कम होती है? साइंस के अनुसार दोस्तों इस लिस्ट में नंबर एक पर जो चीज आती है वो है रीडिंग बुक। अगर आप बुक को रीड करने लगोगे तो आपके माइंड की 60% स्ट्रेस पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चॉकलेट खाओगे तो आपकी पूरी तरह से 23% स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन 100% स्ट्रेस अगर आपको खत्म करनी है ना तो उसका दोस्तों सिर्फ एक ही इलाज है और वो है रोमांस करना। ये साइंटिस्ट की स्टडी का कहना है दोस्तों, मेरा नहीं। दोस्तों आपको पता है कि आपके बालों में कुछ परसेंट गोल्ड यानी सोना भी है? चौंक गए, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। हैरान ना होइए क्योंकि दोस्तों इसको साइंटिस्टों ने हाल ही में प्रूव भी किया है, और साइंस का कहना है कि हमारे बालों में 0.000012% सोना है। पिज्जा दोस्तों ये खाना तो आपको बेहद पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों ये पहली बार बनाया गया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहली बार 15वीं शताब्दी में पिज्जा को कुछ गरीब लोगों ने अपना पेट भरने के लिए बनाया था, क्योंकि उस समय इसके अलावा कोई और अच्छा खासा तरीका ही नहीं था। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, आज के दिन की इतनी बड़ी खास चीज पिज्जा एक समय में गरीबों ने अपने लिए बनाया था। गर्मी बेहद ही तेजी से बढ़ी रही है ना दोस्तों, और ग्लेशियर्स गर्मी में इतनी ज्यादा तेजी से पिघलते हैं कि धरती माँ काफी ज्यादा गर्मी सहन करती है। और अब तो साइंटिस्टों ने भी साफ कर ही दिया है कि आज से 2.3 बिलियन ईयर्स के बाद हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि इंसानों के लिए धरती पर रहना पूरी तरह से असंभव होगा, और उस समय दोस्तों हमारी धरती कुछ इस तरह की रेड से कलर की दिखाई देगी, बेहद ही अलग सी है ना। क्या आप वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन? अगर दोस्तों आप वेजिटेरियन हो तो आपको जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी और अपने आप पर प्राउड फील होगा कि आप पूरी दुनिया के सबसे बड़े वेजिटेरियन ग्रुप का हिस्सा बन चुके हो, तो कॉन्ग्रेट्स। क्योंकि इंडिया पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों का ग्रुप पाया जाता है जो कि वेजिटेरियन है। अब आप भी उनका हिस्सा बन चुके हो। जिस तरह दोस्तों शेर जंगल का राजा यानी किंग होता है, तो उसी तरीके से दोस्तों जो शार्क होती है ना वो जंगल की क्वीन यानी रानी होती है, क्योंकि इससे ज्यादा तगड़ा और पावरफुल और कमाल का समुद्री जीव और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इतनी ज्यादा भारी भरकम इस शार्क में दोस्तों एक भी हड्डी नहीं होती, क्या आप ये बात जानते थे? क्योंकि इसकी बॉडी में बोन्स की जगह कार्टिलेज होती है। इंसानों की दोस्तों जो फेवरेट हॉबी आज तक की रिसर्च में पाई गई है वो है सोना। और सोते हैं तो दोस्तों सपने तो सभी को आते हैं, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको कभी कोई सपना ना आया हो, लेकिन सिर्फ 12.45% लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे जिनको ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते हैं। अगर आपको भी दोस्तों यही सपने आते हैं तो इसका एक अलग ही संदेश है। साइंस का कहना है कि ऐसे सपने, ब्लैक एंड व्हाइट सपने, उन लोगों को ज्यादा आते हैं जो दिन भर में ज्यादा कुछ सोचते रहते हैं और उनका माइंड बिल्कुल भी खाली नहीं होता। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से आपको फेवरेट और कमाल का फैक्ट कौन सा लगा। ऐसी कमाल वीडियोस को दोस्तों डेली देखने के लिए और सैटरडे को कंपैरिजन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने खुद के चैनल रॉक फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करो।